वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो फाउंडेशन। आज हम लोग सॉइल के बारे में जानेंगे। सॉइल के बारे में जानने से पहले कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉइल? सॉइल क्या है? हाउ डज इट फॉर्म? सॉइल बनता कैसे है? What is the process of formation of soil? Why is soil important to us? And how many types of soil are found in India? These type of questions come to during a study. So we will find the answer of these questions during the discussion. Now come to the topic soil. So what is soil? Soil is the thin layer of earth crust mixed with organic and inorganic particles called soil. Earth का जो ऊपर का layer है, ये earth है आपका, ये जो पतला सा layer है इसको हम लोग कहते हैं soil। इसमें आपका organic और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स मिलेगा। ऑर्गेनिक पार्टिकल्स में ह्यूमस, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स में मिनरल्स, रॉक्स, ये सब मिलेगा। ह्यूमस में डिकेड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक लीव्स, ये सब को हम लोग ह्यूमस कहते हैं। तो देखिए, आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, अर्थ जो है ये क्रस्ट, मेंटल और कोर तीन पार्ट में बटा हुआ है। तो जो क्रस्ट का जो पार्ट है, अपर पार्ट है, जो अपर पार्ट है और क्रस्ट का जो अपर लेयर है, सॉइल उसमें ही आपका प्लेस्ड होता है। तो अगर सॉइल का डिफिनेशन पूछा जाए कि व्हाट इज सॉइल, तो आप क्या बताइएगा? थिन लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट का जो अपर लेयर है मिक्स्ड विद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स सच एज मिनरल्स, वाटर, गैसेज, ऑर्गेनिज्म, दीज ऑल टूगेदर कॉल्ड सॉइल। सॉइल क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, एक नेचुरल रिसोर्स है। मीन्स सॉइल इज ए नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स। अब हम लोग देखते हैं कुछ टर्म है, ये पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या है? तो जो वैसा साइंस, द साइंस इन विच वी स्टडी रिगार्डिंग सॉइल, वह साइंस जिसमें हम लोग सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका डिस्क्रिप्शन बताते हैं, इसका कलर कैसा है, इसमें क्या रिच होता है, कौन सा कंटेंट ज़्यादा होता है, कौन सा कंटेंट कम होता है, उसके बाद हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स में। तो इस साइंस को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी के बाद है पेडोस्फीयर। ये देखिए, अर्थ जो पूरा है आपका, उसमें वैसा पार्ट जिसमें सॉइल मिलता है उसको हम लोग कहेंगे पेडोस्फीयर। मीन्स पेडोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस दैट कंसिस्ट सॉइल। अब हम लोग देखिए इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी क्या होता है कि इन इडेफोलॉजी वी स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉइल ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम भी हैं, आप भी हैं। तो आपका सॉइल में, सॉइल का क्या इन्फ्लुएंस है ह्यूमन लाइफ पे, ऑर्गेनिक के लाइफ पे, इसका हम लोग स्टडी करते हैं इडेफोलॉजी में। अब हम लोग देखिए सॉइल हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। तो सॉइल का इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है? सबसे पहले ये जो है प्लांट ग्रोथ, सॉइल है तो ही प्लांट है, क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल जो है एक मीडियम है। तो बिना प्लांट का, बिना सॉइल का प्लांट जो है पॉसिबल नहीं है। तो सॉइल जो है वर्क्स एज ए मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ के मीडियम के रूप में काम करता है और अल्टीमेटली इस प्लांट से हम लोग को फूड मिलता है, हम लोग का अदर जो नेसेसिटीज है वह फुलफिल होता है। उसके बाद देखिए सपोर्ट्स वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ सर्फेस, चाहे वह ह्यूमन हो या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, अल्टीमेटली वो अपना न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है या फिर
किसी भी तरह का जो आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए जो जरूरतें हैं उसकी, वह सॉइल देता है। उसके बाद देखिए, सॉइल सोर्स ऑफ वाटर स्टोरेज। देखिए रेनफॉल होता है, रेनफॉल जो है वह सॉइल ऑब्जर्व करता है, अल्टीमेटली इसको ग्राउंड में डिपॉजिट करता है, तो ये जो वाटर स्टोरेज का काम करता है। उसके बाद सप्लाई, इसी वाटर को हम लोग डिफरेंट मीडियम से खींचते हैं ऊपर, तो ये वाटर सप्लाई का भी काम करता है, एंड अल्टीमेटली इट ऑल्सो प्योरीफाइज द वाटर। देखिए वाटर जो है आपका रेनफॉल के रूप में या अदर मटेरियल्स के रूप में अर्थ पे आता है, लेकिन इसको प्योरीफाई करने का काम कौन करता है? सॉइल करता है। अब देखिए मॉडिफायर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, सॉइल जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर को मॉडिफाई करता है, इसको प्योरीफाई करता है, या इधर प्लांट के माध्यम से, लिविंग ऑर्गेनिज्म के माध्यम से, या फिर वाटर स्टोरेज करके, सप्लाई करके, ये सब मीन्स करके जो है आपका अर्थ के एटमॉस्फेयर को मॉडिफाई करता है। तो ये हो गया आपका सॉइल का डिफिनेशन। उसके बाद ये कुछ टर्म हो गया सॉइल का डिफिनेशन में, हम लोग क्या समझे कि सॉइल जो है एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। सॉइल हम लोग कहेंगे किसको? अर्थ का जो टॉप थिन लेयर है, जिसमें आपका मिनरल्स होता है, जिसमें आपका ऑर्गेनिज्म होता है, जिसमें आपका ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है, उसको हम लोग सॉइल कहेंगे। उसके बाद पेडोलॉजी के बारे में बताएं। पेडोलॉजी में हम सॉइल का फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन और क्लासिफिकेशन का स्टडी करते हैं। पेडोलॉजी वह साइंस है जिसमें सॉइल का स्टडी किया जाता है। उसके बाद यह है पेडोस्फेयर। पेडोस्फेयर हम लोग किसको कहेंगे? वह पार्ट अर्थ का जिसमें सॉइल मिलता है, उसको हम लोग पेडोस्फेयर कहेंगे। एडैफोलॉजी, एडैफोलॉजी क्या है? एडैफोलॉजी में हम लोग सॉइल का ह्यूमन और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, उसका हम लोग स्टडी करते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या है? तो देखिए जो सॉइल बनता है उसको हम लोग कई एक लेयर में बांटते हैं। देखिए ये लेयर जो है एनसीईआरटी बुक्स में है, हम एनसीईआरटी बुक्स को ही लेकर चल रहे हैं। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग लेयर मिल सकता है और होता है, इसको हम लोग ए लेयर, सी लेयर, ई लेयर में बांटते हैं। लेकिन एज पर एनसीईआरटी हम लोग चलेंगे, एनसीईआरटी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ये जो है आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, और यही जो है अगर ठीक से एग्जाम में लिखिएगा आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल अगर आपसे पूछे कि सॉइल प्रोफाइल है क्या, तो देखिए सॉइल का जो डिपोजिशन होता है या फिर सॉइल का जो लेयर होता है उसका वर्टिकल सेक्शन को, द डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल वर्टिकल सेक्शन इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल जो है उसको हम लोग चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको हम लोग हॉरिजन भी कहते हैं, जो डिवीजन है इसको हॉरिजन कहते हैं। तो जो सबसे अपर पार्ट है सॉइल प्रोफाइल का, उसको हम लोग टॉप सॉइल कहते हैं। सेकेंड पार्ट जो है उसको हम लोग सब सॉइल कहते हैं। थर्ड पार्ट सबस्ट्रेटम है, और आपका फोर्थ पार्ट जो है पैरेंट मटेरियल और बेडरॉक है। अब देखिए टॉप सॉइल जो है उसमें होता क्या है, तो टॉप सॉइल में आपको मिलेगा ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स मिलेगा, उसके बाद आपका वाटर मिलेगा, एयर मिलेगा, ऑर्गेनिक्स मिलेगा, ह्यूमस मिलेगा। यानी ये जो है आपका एकदम फाइन पार्टिकल होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए इसका जो फीचर्स क्या है, ये फाइन पार्टिकल्स होता है, इसमें आपको जो है ह्यूमस मिलता है, और नीचे वाला जाएगा तो ह्यूमस का अमाउंट कम होता जाएगा, यहाँ तो एकदम नहीं मिलता है, यहाँ एकदम नहीं मिलता। तो टॉप सॉइल में आप देखिए इसका पार्टिकल्स फाइन होता है, इसमें ह्यूमस मिलता है, मिनरल्स मिलता है, वाटर मिलता है, और आपका एयर, अदर ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसमें मिक्स होता है। सब सॉइल देखिए ये जो है आपका वेदर्ड रॉक्स का जो है आपका मास होता है। वेदर्ड रॉक्स कहने का मतलब, वेदर्स का मतलब टूटा हुआ, वेदर्ड रॉक्स मीन्स टूटा हुआ रॉक्स। तो देखिए हम नीचे से समझ रहे हैं तो और अच्छा और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये जो है एक बड़ा रॉक्स का मास है। अब देखिए ये टूटा, कैसे टूटा हम आगे बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में, वो टूटने का कारण क्या है अभी ये समझिए कि सिर्फ ये टूटा। अब ये टूट कर करके ये एकदम सॉलिड रॉक है, सॉलिड रॉक है, ये टूट कर करके जो है बड़ा बड़ा रॉक्स में टूटा, ठीक है, बड़ा बड़ा रॉक्स में टूटा। अब ये बड़ा बड़ा रॉक्स में टूटा तो हम इसको पैरेंट मटेरियल है या बेडरॉक है, जो आपका ओरिजिनल रॉक्स है वो है ये टूटा।
जो टूट करके दूसरा पार्ट बना उसको हम लोग सबस्ट्रेटम कहेंगे। तो सबस्ट्रेटम का फीचर्स क्या होगा, इसमें वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल मिलेगा क्योंकि इसी से ये टूट के बना है, तो इसका सारा फीचर्स जो है आपका इसमें मिलेगा सबस्ट्रेटम में। उसके बाद ये देखिए रॉक जिसमें मिनरल्स मिक्स होता है तो इसमें मिनरल्स मिलेगा लेकिन ह्यूमस नहीं मिलेगा, क्योंकि ह्यूमस कहाँ से मिलता है हम लोग को, प्लांट से मिलता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है, और ये उसको यहाँ तक ये पहुँचता नहीं है। अब देखिए ये जो है फिर आगे टूटता है तब हमारा बनता है सब सॉइल का लेयर या सब सॉइल का प्रोफाइल। तो इसमें जो है टूटता है तो ये देखिए तीन तरह का जो है आपको देखने को मिलेगा, सैंड, सिल्ट और क्ले, एक और चौथा भी है उसको हम लोग लोम कहते हैं या लोमी कहते हैं। तो देखिए सैंड क्या है, इसमें जो है ये देखिए ऐसा मान लीजिए ऐसा ऐसा टूट के बना है, ऐसा ऐसा ये फिर छोटा होता जाएगा, ये और छोटा होता जाएगा और इसके बाद और एकदम छोटा होता जाएगा। तो देखिए जो सैंड है इसमें जो प्रोपोर्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल जो ज्यादा होता है सैंड में प्रोपोर्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल ज्यादा होगा। तो देखिए सैंड में आपको क्या मिलेगा, अगर पार्टिकल ज्यादा है तो इसके बीच जो गैप होगा ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो ये जो है इसमें पानी जल्दी सोखता है, पानी इसमें टिकता नहीं है, यानी इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होता है। अब देखिए इसमें जो है आपका ये जो है हल्का होता है क्योंकि इसमें वाटर है नहीं, तो ये थोड़ा हल्का होगा आपको। सैंड के बाद आपको समझिए पहले क्ले में जो है फाइन पार्टिकल का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, तो फाइन पार्टिकल का प्रोपोर्शन ज्यादा रहेगा तो हम लोग कहेंगे वह क्ले है, और अगर लार्ज पार्टिकल का प्रोपोर्शन ज्यादा रहेगा तो हम लोग कहेंगे वह क्या है, सैंड है। अब देखिए वैसा सॉइल जिसमें आपका सैंड और क्ले दोनों जो है ऑलमोस्ट सेम 50-50% रहेगा तब हम लोग उसको सिल्ट कहेंगे। तो ये देखिए जैसे जैसे इसका जो पार्टिकल है छोटा होते जाएगा उसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ते जाएगा, क्योंकि दो जो पार्टिकल है उसके बीच गैप कम रहेगा तो वाटर जो धीरे धीरे नीचे की ओर जाएगा। तो आप देखिएगा जैसे जैसे ये कम होगा पार्टिकल का साइज उसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है कम होगा, और कम होगा तो उसका जो वेट है यानी डेंसिटी जो है वो क्या होगा बढ़ेगा। अब देखिए ये लोमी क्या होता है, लोमी जो है उसमें सैंड सिल्ट और क्ले का मिक्सचर होता है और इसको बेस्ट सॉइल माना जाता है जिसमें कोई भी हम लोग क्रॉप्स जो है इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्ले भी जो है अच्छा सॉइल है, इसमें भी जो है हम लोग सारा तरह का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये है टॉप सॉइल। उसके बाद टॉप सॉइल जो है इसमें जो है आपका ये सब जो पार्टिकल्स है सैंड है सिल्ट है क्ले है इसमें ह्यूमस मिल जाता है तब हम लोग इसको जो है टॉप सॉइल कहते हैं। ह्यूमस मिला वेजिटेशन का जो डिकेड पार्ट है वह मिल गया तब हम लोग इसको टॉप सॉइल का नाम देंगे। तो समझ में आया सॉइल प्रोफाइल क्या है, सॉइल प्रोफाइल जो सॉइल का जो डिफरेंट लेयर है उसके वर्टिकल सेक्शन को हम लोग सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। इसको चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल, सबस्ट्रेटम और पेरेंट मटेरियल और बेडरॉक। हम बताएं आपको अभी कि टॉप सॉइल में आपको ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा और ह्यूमस जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वह ह्यूमस है, इसमें ह्यूमस मिलता है। उसके बाद सब सॉइल में आपका सैंड सिल्ट और क्ले मिलेगा, यह जो है छोटा छोटा पार्ट होता है। उसके बाद सबस्ट्रेटम में बड़ा बड़ा रॉक्स मिलेगा और पेरेंट जो है एक बड़ा रॉक्स होगा, मेन मटेरियल आपका पेरेंट रॉक्स होता है या बेडरॉक होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यह है आपका फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल में सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉइल बनता कैसे है। आप एक बात तो समझ गए कि सॉइल जो बनता है वो पेरेंट मटेरियल से बनता है, बेडरॉक से बनता है, बेडरॉक छोटा छोटा पीसेज में बनता है, उसके बाद उसमें वाटर और ह्यूमस मिलता है जो प्लांट को सपोर्ट करता है, हम उसको सॉइल कहते हैं। तो देखिए सॉइल बनने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग पेडोजेनेसिस कहते हैं। पेडोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस। तो सॉइल फॉर्मेशन में आपका तीन फैक्टर जो मेनली लगता है वो फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है। तो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर का जो इन्फ्लुएंस पड़ता है पेरेंट मटेरियल पे, हम उस प्रोसेस का स्टडी करते हैं पेडोजेनेसिस में। सॉइल देखिए है क्या, यह एक लिविंग सिस्टम है। लिविंग सिस्टम कहने का मतलब है जैसे हमारा बॉडी है, ये जो है टाइम लेता है, हम लोग बच्चा से धीरे धीरे बड़े होते हैं, एक टाइम के बाद जो है मैच्योरिटी आता है। उसी तरह से सॉइल जो है एक लिविंग सिस्टम है, उसमें भी जो है
एक टाइम लगता है, टाइम पीरियड है जब वह मेच्योर होता है। मेच्योर कहने का मतलब उसमें वह क्वालिटी आ जाता है जिससे कि वह प्लांट को सपोर्ट कर सके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट कर सके, उनको वह न्यूट्रिएंट्स या फिर उनको जो चाहिए वह दे सके। तो ये जो एक लिविंग सिस्टम है, और लिविंग सिस्टम को मेच्योरिटी होने में, बड़ा होने में टाइम लगता है। इसी तरह से सॉइल को बनने में जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स, करोड़ों वर्ष लगते हैं एक सॉइल, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर सॉइल बनने में। ये आज नहीं हुआ कि आज जो है सॉइल यहाँ पे बन गया, इसको बनने में आपको लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं। अब देखिए, फॉर्मेशन सॉइल जानने से पहले जो दो इम्पोर्टेंट आपका जो टॉपिक है उसको समझना है, दो इम्पोर्टेंट वर्ड है जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है उसको समझना जरूरी है। तो वह है बेदरिंग और इरोजन। देखिए बेदरिंग होता क्या है, तो बेदरिंग है द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इंटू अ स्मॉल पीसेज। रॉक्स जब छोटा छोटा पार्ट में टूटता है अपना ही प्लेस, याद रखिएगा बेदरिंग और इरोजन में ये डिफरेंस है। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इंटू अ स्मॉल पीसेज इज कॉल्ड बेदरिंग। यानी कि बेदरिंग एक प्रोसेस है जो बड़ा रॉक्स को सेडिमेंट्स में बदल देता है। सेडिमेंट्स का मतलब समझ रहे हैं, सेडिमेंट्स का मतलब छोटा छोटा टुकड़ा जो आपका डस्ट कर सकते हैं। तो बेदिंग एक प्रोसेस है जिसमें रॉक जो है छोटा छोटा पार्ट में टूटता है। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ऑन अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड बेदरिंग, या और बेदरिंग इज द प्रोसेस विच टर्न्स द रॉक्स इंटू सेडिमेंट्स। रॉक्स को सेडिमेंट में बदल देगा उसको हम लोग बेदरिंग कहेंगे। अब देखिए ये बेदरिंग होता क्यों है, तो बेदरिंग जो है आपका 3 तरह का हो सकता है। एक हम लोग कहते हैं फिजिकल बेदरिंग, दूसरा हम लोग कहते हैं केमिकल बेदरिंग, और तीसरा हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल बेदरिंग। देखिए बेदरिंग समझिएगा तभी जो है सॉइल फॉर्मेशन समझ में आएगा कि सॉइल बनता कैसे है। तो देखिए फिजिकल बेदरिंग में क्या होता है, मेनली जो दो नेचुरल फोर्स है आपका टेम्परेचर और वाटर, ये जो है वर्क करता है फिजिकल बेदरिंग में। तो टेम्परेचर कैसे वर्क करता है, तो देखिए इसमें भी दो तरह से काम हो सकता है। देखिए एक तो बड़ा रॉक्स है, सपोज कीजिए ये रॉक्स है। अब रॉक्स में जो रॉक्स में क्या हुआ कि आप देखिए टेम्परेचर का क्वालिटी क्या, चाहे कोई भी मटेरियल का क्या क्वालिटी है कि जब वह हीट होगा तो क्या होगा, एक्सपेंड होगा, और जब कूल होगा तो कॉन्टैक्ट होगा। तो देखिए टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा रहता है, या फिर आप देखते हैं कि दिन में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है रात में कम हो जाता है, या फिर माउंटेन रीजन में देखिएगा टेम्परेचर जो है वहाँ आपका दिन में रहेगा ज़्यादा रात में कम होगा, डेजर्ट में दिन में ज़्यादा रहेगा रात में कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने और घटने से जो है आपका एक्सपेंड होगा रॉक और कॉन्टैक्ट होगा। तो रॉक एक्सपेंड और कॉन्टैक्ट होने से उसमें ज्वाइंट या क्रैक क्रिएट होता है। अब देखिए जब ज्वाइंट और क्रैक कौन क्रिएट किया, टेम्परेचर। जब देखिए टेम्परेचर का जब काम हो जाता है तब जो है वाटर अपना काम स्टार्ट करता है। वाटर अपना काम स्टार्ट कैसे करेगा कि वाटर जो है इस क्रैक के थ्रू इसमें अंदर जाएगा, और धीरे धीरे जो है एक दो, ये जो है 1-2 दिन में नहीं होता है, इसको करोड़ों लाखों साल लगते हैं। धीरे धीरे जाकर के इसको तोड़ेगा, और जब ये लंबा लंबा टूट सकता है, एक तो लंबा लंबा टूटेगा जिसको हम लोग आपका थॉ फ्रीजिंग कहते हैं, और एक जो है आपका ये देखिए आपका पतला पतला जो है परत में टूटेगा, लेयर में टूटेगा। इसमें भी वही होगा, कांटेक्ट हुआ एक्सपेंड हुआ, कांटेक्ट हुआ एक्सपेंड हुआ, तो एक जो है पतला पतला जो है ऊपर का लेयर में टूटते चला जाएगा। इसको हम लोग एक्सफोलिएशन कहते हैं, एक्सफोलिएशन। तो एक्सफोलिएशन है और ये आपका थॉ फ्रीजिंग है। इसमें क्या है कि वाटर जो है कोल्ड होता है, वाटर जो है हॉट होता है, तब जो है रॉक का क्रैक बड़ा होता जाता है, और उसके बाद ये लंबा लंबा टुकड़ा में टूट जाता है। इसमें जो है मेनली टेम्परेचर काम करता है, टेम्परेचर जो है आपका बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा, तो इससे जो है लेयर वाली लेयर टूटता है। तो इसको हम लोग कहते हैं जैसे प्याज का छिलका निकलता है, बंधा गोभी का ऊपर से लेयर निकलेगा, उसी तरह से रॉक जो है लेयर में टूटते चला जाता है, तो इसको हम लोग एक्सफोलिएशन कहते हैं। अब देखिए केमिकल बेदिंग में क्या होता है, ये देखिए रॉक्स का कुछ ऐसा मिनरल्स है जो वाटर में सोलिबल होता है, जैसे आपका लाइमस्टोन हो गया,
तो इसमें आपका तीन तरह का प्रोसेस है, आप पढ़े होंगे साइंस में, कार्बोनेशन है जिसको हम लोग सोल्यूबल मटेरियल कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस है। ये सब के कारण जो है जब रॉक्स का जो आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो हम लोग उसको कहेंगे केमिकल वेदिंग। तो ये केमिकल वेदिंग से हम आ गए, अब हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल वेदिंग। बायोलॉजिकल वेदिंग क्या है कि देखिए अर्थ पे जो है कई तरह का प्लांट जो है उगता है, आप लोग देखे होंगे बहुत सारा दीवार में जो है पेड़ उगाया है, तो उसी तरह से रॉक्स में भी जो है पेड़ या प्लांट जो है आपका ग्रो करता है। तो ग्रो करता है तो उसको जो है वाटर चाहिए, तो वाटर के लिए वो अपना रूट जो है वो रॉक्स में अंदर डालता है। तो रॉक्स में डालने से क्या होता है, रॉक्स में जाने से आपका जो रॉक्स में क्रैक बड़ा होते जाता है, उसके बाद रॉक्स टूट जाता है। तो हम जब प्लांट्स या एनिमल्स, कुछ एनिमल्स देखते होंगे आपका मिट्टी खाता है तो मिट्टी निकालता है, तो रॉक्स में छेद, रॉक्स में जो रॉक्स को धीरे धीरे तोड़ तोड़ के निकालता है क्योंकि रॉक्स से उसको मिनरल चाहिए होता है। तो बायोलॉजिकल वेदिंग में जो है आपका प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म जो है जब रॉक्स को डिसइंटीग्रेट करेगा तब तो हम लोग कहेंगे वो बायोलॉजिकल वेदिंग है। तो वेदिंग समझे कि यह तीन तरह का हो सकता है, फिजिकल वेदिंग, केमिकल वेदिंग और बायोलॉजिकल वेदिंग। फिजिकल वेदिंग में रॉक जो है टूटता है आपका टेम्परेचर और वाटर के कारण, आपका केमिकल वेदिंग में आपका केमिकल जो प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन होता है उसके कारण रॉक जो है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, और बायोलॉजिकल वेदिंग में प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म जो है रॉक को तोड़ता है। अब देखिए हम लोग देखेंगे इरोजन। इरोजन क्या होता है, देखिए वेदिंग का काम हुआ रॉक को तोड़ देना, रॉक को तोड़ दिया, अब इरोजन में क्या होता है कि रॉक्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, या वाटर, विंड, आइस जो मूविंग आइस है, उसके बाद वेव, सी वेव्स है। तो देखिए इरोजन जो है द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट्स और द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल्स, यानी जो टूटा हुआ रॉक्स है उसको हम लोग कहेंगे इरोजन। अब देखिए ऐसा बात नहीं है कि इरोजन में वेदिंग नहीं होता, लेकिन उसको हम लोग वेदिंग नहीं कहेंगे, वह इरोजन का एक पार्ट है। अब देखिए वाटर जो है क्या कर रहा है कि ट्रांसपोर्ट कर रहा है रॉक्स को। तो देखिए चलते चलते आप देखे होंगे कि जो बड़ा बड़ा रॉक्स है वो गोल हो जाता है घिस घिस के, तो उसमें मटेरियल कुछ होगा ना, वो मटेरियल जो है डस्ट बन गया, सेडिमेंट्स बन गया, और वह चलते चलते ट्रांसपोर्ट होते होते जो है आपका ये इरोजन भी हो रहा है और ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है। तो इरोजन में हम लोग देखेंगे कि आपका वाटर, विंड, आइस और वेव्स, ये सब जो आपका फिजिकल फोर्सेज है वो क्या करता है कि जो ब्रेकिंग पार्ट्स है या फिर जो वेदर मटेरियल्स है उसको ट्रांसपोर्ट कर करके कहीं डिपॉजिट करता है, तब हम लोग उसको इरोजन कहेंगे। तो ये हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सॉइल देख रहे हैं, इसमें पेडोजेनेसिस देखें। पेडोजेनेसिस में क्या था कि सॉइल फॉर्मेशन का जो साइंस है उसको हम लोग पेडोजेनेसिस कहते हैं, यानी जो पैरेंट मटेरियल्स है उस पर किस तरह से फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस पड़ता है जिससे एक बड़ा सा रॉक जो है टूट करके सेडिमेंट में बदल जाता है, उसको हम लोग पेडोजेनेसिस कहते हैं। सॉइल क्या है, एक लिविंग सिस्टम है। लिविंग सिस्टम इसलिए क्योंकि यह एक दो दिन में नहीं बनता, इसको बनने में बहुत समय लगता है, इट टेक मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म अ फ्यू सेंटीमीटर सॉइल। अब देखिए वेदिंग समझे, वेदिंग मतलब रॉक्स का टूटना, रॉक्स का छोटे छोटे पार्ट में टूटना वेदिंग कहते हैं। वेदिंग तीन तरह का हो सकता है, फिजिकल वेदिंग, केमिकल वेदिंग और बायोलॉजिकल वेदिंग। ये तीनों समझ में आया आपको। इरोजन का मतलब हो गया जो वेदर मटेरियल, जो टूटा हुआ रॉक्स है, जब हम उसको ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा वाटर, विंड, आइस और वेव्स के द्वारा, तब हम लोग उसको इरोजन कहेंगे। अगला टॉपिक है आपका फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। देखिए सॉइल फॉर्मेशन का जो है पांच फैक्टर है। पांच फैक्टर क्या है, रिलीफ, पेरेंटॉक या बेडॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन और टाइम। ये देखिए ये सब जो है जब प्रोसेस होता है, प्रोसेस करने का जो है आपका टेम्परेचर क्लाइमेट में है, वाटर, विंड, आइस, वेव का मूवमेंट, ये जो है क्लाइमेट या फिर नेचुरल फोर्स का पार्ट है। उसके बाद डिकम्पोजर्स का एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म्स एंड वेजिटेशन में आएगा, केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस, ये आपका क्लाइमेट, यानी ये सब मिलके जब प्रोसेस करेगा तब जो है आपका सॉइल का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ये प्लांट ग्रो करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि रिलीफ जो है कैसे इंपॉर्टेंट है सॉइल फॉर्मेशन में।
रिलीफ हम बताए थे, रिलीफ को डिफाइन किए थे पिछले वीडियो में। अब देखिए रिलीफ में आप मेनली जो स्लोप का स्टडी करते हैं, इलिवेशन, हाई इलिवेशन और लो इलिवेशन जो अर्थ पर अवेलेबल है उसको हम लोग रिलीफ करते हैं। तो देखिए अगर हाई स्लोप होगा तब क्या होगा, तब जो है इरोजन ज़्यादा होगा, इरोजन आपका ज़्यादा होगा, इरोजन मोर होगा। और अगर ये लो स्लोप होगा तब इरोजन नहीं होगा कि वहाँ पे डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन कहने का मतलब है कि सॉइल वहाँ पे या फिर जो आपका मटेरियल है वेदर मटेरियल से जमा हो जाएगा। देखिए इसको देखिए, अगर यहाँ पे रहेगा तब क्या होगा कि यहाँ पर का रॉक्स टूट कर कर करके और ये जो लो स्लोप वाला एरिया है यहाँ पे आपका डिपोजिशन हो जाएगा। यानी कि रिलीफ जो कैसे हेल्प करता है आपको वेदरिंग में या फिर आपका जो एक्टिविटी है वाटर विंड आइस का उसमें जो है आपका ये प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। ये आपका वेदर मटेरियल्स को तोड़ेगा, यहाँ जा कर करके आपका डिपोजिशन करेगा। तो सॉइल यहाँ पे लेयर जो है कम होगा, यहाँ ज़्यादा मोटा हो सकता है। अब देखिए पैरेंट रॉक्स, पैरेंट रॉक जो है ये मेन पार्ट होता है सॉइल का, ये जो है सॉइल का फॉर्मेशन का बेस होता है। और इसी से आप क्या क्या पता कर सकते हैं, सॉइल का कलर क्या है, ये जनरली पैरेंट रॉक्स पे डिपेंड करता है कि रॉक्स का कलर कैसा था। हालांकि कुछ ऐसा सॉइल हो सकता है जिसका कलर पैरेंट रॉक्स से अलग हो, उसका कारण ज़्यादा ह्यूमस उसमें आ जाए या फिर अदर जो है केमिकल चेंजेज हो जाए, उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, उस कलर जो है बताएगा। उसके बाद इसमें कौन कौन सा मिनरल है ये जो है डिपेंड करता है पैरेंट रॉक मटेरियल पे, पैरेंट रॉक या बेड रॉक्स कैसा है ये डिपेंड करेगा आपका, ये मिनरल्स को जो है क्लेरिफाई करेगा कौन सा मिनरल सॉइल में हो सकता है। अब देखिए आपका क्लाइमेट में दो है, एक टेम्परेचर है और दूसरा जो है प्रिसिपिटेशन या रेन है। तो देखिए टेम्परेचर हम बताएं कि किस तरह से वेदरिंग में हेल्प करता है। टेम्परेचर जो है रॉक को एक्सपेंड करेगा, रॉक को जो है आपका कॉन्टैक्ट होगा अगर कम टेम्परेचर रहेगा तो। और रेन जो है उसमें क्रैक जो बनाएगा आपका टेम्परेचर, उसमें वो अंदर जा कर करके जो है केमिकल रिएक्शन करेगा, उससे सॉइल उससे जो है रॉक्स टूटेगा। उसके बाद आपका है वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिज्म। वेजिटेशन के बारे में बताएं कि ये जो है बायोलॉजिकल जो आपका वेदरिंग होता है उसका मेन रीजन वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिज्म है। वेजिटेशन क्या करता है कि आपका रॉक्स में जो है आपका जॉइंट क्रिएट करता है, और उसी तरह से ऑर्गेनिज्म जो है आपका रॉक्स को खाता है और उसका जो वेस्ट है थोड़ा थोड़ा करके निकालता है। और ये सारा जो है आपका एक दिन में ना होकर करके टाइम लेता है, टाइम पीरियड होता है इसका। तो इस टाइम पीरियड को हम लोग जब पांचों प्रोसेस हुआ तब हम लोग कहेंगे कि सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, याद रखने के लिए आप इसको याद रख सकते हैं CROPT। सी का मतलब हो गया आपका क्लाइमेट, आर का मतलब हो गया रिलीफ, ओ का मतलब हो गया ऑर्गेनिज्म्स एंड वेजिटेशन, और पी का मतलब हो गया आपका पैरेंट रॉक, और टी का मतलब हो गया टाइम। तो ये आपको याद रखना है फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल।